एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम में सब लोग का स्वागत कर रहा है। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 21 का बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 से 20 मिस किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करवा दो। इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट 1 से 25 हिंदी बोल के एक प्ले लिस्ट बना के रखे, उसके अंदर जाके विस्तृत करके आप देख सकते हैं। तो हमारे डिस्कशन में बहुत सारे जगह में हम लोग अप्रीविशन यूज करेगा, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का नाम यूज करेगा, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल गवर्निंग एजेंसीज, नोडल एजेंसीज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टैंडर्ड्स, वो सबका शॉर्ट फॉर्म्स एंड अब्रीवेशन बहुत जगह में हम लोग यूज करेगा। अगर यूज करने के टाइम कुछ डाउट है तो आप ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं। आज ये पार्ट में क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाला है, सो अगर एसी चार्जिंग स्टेशन है तो उसका अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकता है, एसी चार्जर देखने के लिए कैसे दिखेगा। अगर आप हमारा कंट्री इंडिया में ओके एसी चार्जिंग सिस्टम बनाने के लिए प्लान कर रहे थे, आप कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। आप डीसी चार्जिंग स्टेशन के लिए प्लान कर रहे थे, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, डीसी चार्जिंग स्टेशन देखने के लिए कैसे दिखे, डीसी चार्जर कैसे दिखा सकता है, ठीक है। अगर आप डीसी चार्जिंग सिस्टम बनाने के लिए प्लान है तो कौन से इंडियन स्टैंडर्ड्स आप इंडिया लिए बनाने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये आप एक 3.3 किलोवाट चार्जिंग सिस्टम है तो वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के वो सब चीज आज हम लोग देखेगा, ठीक है। अगर आप ब्लॉक डायग्राम के बारे में देखे रहे तो फॉर एसी चार्जिंग सिस्टम ओके सो ग्रिड से हम लोग पावर लिएगा, ओके सो ग्रिड में हम लोग क्या करेगा, हमारा एलएनजी ओके इलेक्ट्रिकल व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट के अंदर आप देखेगा तो इसके अंदर एसी टू डीसी कन्वर्टर हो सकता है, करंट एंड वोल्टेज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट सिस्टम कंट्रोलर्स, एसी पावर रिले, ओके व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एचएमआई, ओके ये सिस्टम कंट्रोलर का काम ओके करंट एंड वोल्टेज का बराबर मॉनिटर करने का, ओके एसी टू डीसी कन्वर्टर से मिलने वाला डीसी वोल्टेज को लेने का, ठीक है, उसको व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम से व्हीकल इंटरफेसिंग के साथ थ्रू विद हेल्प ऑफ द एसी प्लस पायलट सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल साथ कम्युनिकेशन करने के लिए व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम को यूटिलाइज करेगा। बाद में हमारे एचएमआई स्क्रीन्स है ना, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए वो दिखाने के लिए सिस्टम कंट्रोलर्स काम हो जाएगा। उसके बाद एकदम इंपॉर्टेंट काम है, एसी पावर लेवल रिले को एनेबल एंड डिसेबल करने वाला काम ये सिस्टम कंट्रोलर करेगा। सो हमारा डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया एक ताइवान ओरिजिन है, फ्रॉम 7 किलोवाट टू 22 किलोवाट बहुत अलग वराइटीज ओके हमको डीसी एसी चार्जर्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अगर ब्लॉक डायग्राम का इन डिटेल आप देखेगा तो ओके सो करंट एंड वोल्टेज मॉनिटर करके ओके कितना पावर व्हीकल को ट्रांसफर करने का बोल के ट्रांसफर हो जाएगा, ओके एसी पावर रिले एकदम इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कभी भी हम लोग एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा व्हीकल एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट के साथ रिले से एनेबल हो जाएगा, ठीक है। व्हीकल इंटरफेस से एसी टू डीसी कन्वर्टर का काम नेसेसरी एसी पावर को डीसी पावर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में आप देखेगा तो हम लोग IS 17017 पार्ट 1 हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई चार्जिंग सिस्टम के लिए फॉलो करना पड़ेगा, ओके IS 17017 पार्ट 2 ओके बोथ एसी एंड डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट पार्ट 21 22 हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स IS 17017 पार्ट 21 एंड 22 एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग अगर मान ली एक एसी केबल के लिए प्लान करें, वो भी सिंगल फेज सप्लाई 15 एम्स रेटेड करंट है, तो सो हम लोग लगभग केबल ए बी सी डी ई एफ बोल के 6 अलग वराइटीज हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर केबल ए है तो उसका डिटेल में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट से पावर कन्वर्टर के लिए जाएगा, पावर कन्वर्टर से इलेक्ट्रिकल के लिए जाएगा। ये मोस्टली केबल ए बी एंड सी हम लोग ए सी स्लो चार्जिंग के लिए यूज करेगा, ओके अगर ए सी केबल डी इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कनेक्ट हो जाएगा। सो केबल ई तो सीधा इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट में अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग अगर आपको डी टाइप केबल के लिए कुछ एक्सटेंशन जरूरत है तो उसी जगह में आप केबल एफ को यूज कर सकते हैं। सो केबल डीई एफ सिर्फ फास्ट चार्ज के लिए हम लोग यूज करवा रहे हैं, ओके एसी सिंगल फेज 15 एम्स का केबल कनेक्टर्स का स्टैंडर्ड का बारे में देखिए तो हम लोग एक कनेक्टर्स यूज करने का वो मेल और फीमेल हो सकता है हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट यू शुड कम्प्लाई IEC 60309 स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो अभी एसी कनेक्टर फेस का ओके हम लोग आउटपुट में बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल विद द ऑनबोर्ड चार्जर, मान लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, उसमें ऑनबोर्ड चार्जर है तो सो ऐसे ही हमको कम्युनिकेशन और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का चार्जिंग के लिए, ओके। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन इज दैट हमको
सेकेंड ऑप्शन में भी है, उसमें ऑनबोर्ड चार्जर है, ठीक है, बट थोड़ा अलग वैरायटी से हम लोग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवा रहे हैं। अगर फर्स्ट मॉडल में आप देखेगा तो ठीक है, पावर कन्वर्टर यूज करके IEC 6039 मेन से हमारा रिक्वायरमेंट व्हीकल कनेक्टर के हिसाब से हम लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड में दे तो सेकेंड ऑप्शन में दैट इज नो पावर कन्वर्टर, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन में देखेगा तो हम लोग सीधा डायरेक्टली हमारा केबल को हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट में कनेक्ट हो जाएगा, इस ये स्लो चार्जिंग परफॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड केबल्स के बारे में भी देखिएगा तो 3 फेज केबल का है तो वो 450 वोल्ट है, मैक्सिमम 63 एम्स तक रेटेड करंट है, एक्सटेंशन है तो मैक्सिमम 1 मीटर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन केबल है तो लगभग मैक्सिमम करंट रेटिंग 30 वोल्ट, ओके, ऑपरेटिंग चार्जिंग करंट इज 12 एम्स, ओके, 0.5 स्क्वायर mm केबल हमको यूज कर सकते हैं। अगर आप AC 3 फेज 63 एम्स रेटिंग के लिए प्लान करवा रहे तो आप IEC 62196 Type 2 स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने वाला कनेक्टर्स, AC कनेक्टर इंटरफेस को आपको यूज करना पड़ेगा। इसमें फायदा क्या है, इसमें 3 लाइन है, 3 फेज है, ठीक है, एक न्यूट्रल है, ओके, एक कंट्रोल पायलट है, एक प्रॉक्सिमिटी अर्थ टर्मिनल है एंड प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है। सो इसमें ऑप्शंस के बारे में आप देखेगा तो फर्स्ट ऑप्शन है डिटैचेबल केबल असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन इज है केबल असेंबली इंटेग्रेटेड विद द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट, ठीक है। सो 3 फेज में भी सेम है, केबल टाइप AB C तीनों हम लोग यूज कर सकते हैं, ये तीनों AC स्लो चार्जिंग के लिए हम लोग यूज करेगा, DEF हम लोग फास्ट चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल फेज केबल्स का मैक्सिमम करंट रेटिंग के बारे में आप देखेगा तो मैक्सिमम लेंथ 7.5 मीटर्स है, कलर का कोड ऑरेंज और ब्लैक कलर हम लोग यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट रेटिंग 15 एम्स है सिंगल फेज का, ठीक है। मान लिए हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट का हमारा लोड कैपेसिटी के हिसाब से कैटेगरीज करेगा तो इसमें बहुत सारा क्लासेस है, सो मैक्सिमम लोड के हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट का कैटेगरीज अलग हो जाएगा। अगर स्लो चार्ज एसी स्लो है तो 1 किलोवाट हम लोग यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, वो भी सिंगल फेज है। एसी स्लो भी है तो 2.2 किलोवाट सिंगल फेज सप्लाई है, एसी स्लो सी है तो 3.3 किलोवाट सिंगल फेज है, कि एसी फास्ट है तो 10 किलोवाट 3 फेज है। अगर मान लिए एसी फास्ट बी, एसी फास्ट सी, एसी फास्ट डी है तो लगभग 12 किलोवाट 3 फेज, 23 किलोवाट 3 फेज, 45 किलोवाट 3 फेज हम लोग यूज करने का। कभी भी हम आप AC फास्ट बी और फास्ट सी फास्ट डी के लिए प्लान कर रहे थे, आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इंस्टॉलेशन के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी DC चार्जिंग सिस्टम के बारे में आप देखिएगा तो इसमें भी AC to DC कन्वर्टर्स है, ओके, इसमें पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइसेस है, वो सिस्टम कंट्रोलर के इनपुट से आएगा, सिस्टम कंट्रोलर से DC to DC आउटपुट के लिए कन्वर्टर्स बूस्टर के लिए कनेक्शन जाएगा। इसके बाद वो व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करेगा। अगर फ्रॉम द व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए व्हीकल इंटरफेस से वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम टू डिस्प्ले द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स HMI एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को यूज करेगा, ठीक है। सो अगर DC चार्जिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे तो आप IS 1701 Part 23 स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना ही पड़ेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम इट हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 1701 Part 25 स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स का लिए प्लान कर रहे हो तो फॉर एक्सपेशली फॉर द DC आप IS 1701 Part 24 आप कंप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो कभी भी आप पावर कन्वर्टर्स के लिए प्लान कर रहे हो तो वो इट शुड फॉलो IS 1230 60 स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पड़ेगा। इनपुट फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है, मैक्सिमम लोड 1.1 किलोवाट है, पावर इंडिकेशन का बटन हमको, पावर इंडिकेशन LED लाइट हमको दिखाना पड़ेगा, फॉल्ट इंडिकेशन भी हमको दिखाना पड़ेगा। फिर मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स है तो ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन, आउटपुट ओवरलोड प्रोटेक्शन, आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, कनेक्टर प्रेजेंस एंड लॉकिंग, बैटरी रिवर्स प्रोटेक्शन, पावर फैक्टर मेंटेनेंस, ये सब चीज कंप्लाई करना पड़ेगा पावर कन्वर्टर्स, ठीक है। एनवायरमेंटल तो वो तो 0 to 55 डिग्री मैक्सिमम यूज कर सकता है। डीसी चार्जिंग स्टेशन का बारे में आप देखने का टाइम हम लोग एक चीज नोटिस किया था, पावर फैक्टर कनेक्शन स्टेज, इसका काम क्या है, वो इंश्योर करेगा इनपुट करंट हमारा ग्रिड वोल्टेज का साथ है, मतलब इट इज इन फेज विद द करंट, इज इन फेज विद द वोल्टेज, उसको इंश्योर करेगा वो पावर फैक्टर
करेक्शन का स्टेज का इंपॉर्टेंट काम है। ओके, मल्टी एसी टू डीसी स्टेज है, इसका काम क्या है, पॉलीफेज एसी ग्रिड से आएगा ना, उसको हाई वोल्टेज डीसी कन्वर्ट करेगा, ये एसी टू डीसी का काम है। सेकेंड, दोबारा आपको डीसी टू डीसी स्टेज है, इसका काम क्या है, वो स्टेबल डीसी को, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब बूस्टिंग पर्पस के लिए ये डीसी टू डीसी स्टेज हम लोग उसमें यूज करवा रहे हैं। अगर मान लिए आपको 3.3 किलोवाट चार्जिंग स्टेशन है, वो उसका ब्लॉक डायग्राम के बारे में आप देखेंगे तो, हमको आने वाला पावर ग्रिड को हम लोग ईएमआई फिल्टर से फिल्टर करेगा, बाद में थ्रू स्विचेस थ्रू रिलेस डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के साथ जाएगा, फ्रॉम देयर वो पावर फैक्टर स्टेज के लिए जाएगा, उसका अंदर हमको पावर फैक्टर ड्राइवर्स और कंट्रोलर्स हो सकता है, उसका काम पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, वो फेस शिफ्टेड फुल ब्रिज डीसी टू डीसी कन्वर्टर का अंदर जाएगा, सबसे लास्ट में थ्रू द रेक्टिफायर और द मॉस्फेट वो हाई वोल्टेज बैटरी को चार्ज करने के लिए चला जाएगा। ये बीच में हमारा मेन कंट्रोल यूनिट है ना, ओके, तो ये मेन सर्किट यूनिट का काम क्या है, वो करंट को सेंस करके बराबर चेक करेगा, ओके, एंड वोल्टेज को सेंस करेगा, टेम्परेचर को भी सेंस करेगा, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेने के लिए मेन काम है ना, मेन कंट्रोलर यूनिट ही कर रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा, वोल्टेज करंट एंड टेम्परेचर ये सब चीज मेशन मेशर करके उसके हिसाब से कभी हमको डीसी टू डीसी कंट्रोलर को एनेबल करने का, डिसेबल करने का, उससे भी अगर पी एंड आई डी लूप है तो उसको बराबर काम करने के लिए ये डिटेल्स को वो यूटिलाइज करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आइसोलेटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसके हिसाब से कम्युनिकेशन टेक्निक सब चीज इससे हो जाएगा, इसका डिटेल रिव्यू है हम लोग इसमें दे चुका हूँ, ठीक है। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, आपको ये वीडियो पसंद है तो आपके दोस्तों के साथ आप शेयर कर दो, ठीक है। आपको इसके बारे में सीखने के, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के, तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन करके दे सकते हैं, आप इंटरेस्टेड है आपको सीमेंस एलेंड्रोडी डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। आप अगर जीसीसी कंट्रीज में काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं, कतर सऊदी ओमान कंट्रीज में, वो भी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए प्लान कर रहे, तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में दे चुका हूँ। इधर ईबी पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वही सच जगह में आपको सोलर से डीसी लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने के प्लान कर रहे, तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट में दे चुका हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर फार्म है आपके पास, आपको क्रॉप को एनिमल से प्रोटेक्ट करने का, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं, हम लोग सोलर फेंसिंग ऐसा किट दे रहा है, आपका रिक्वायरमेंट है तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन सोलर स्ट्रीट लाइट सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग कंसल्टेंसी ट्रेनिंग सपोर्ट्स करके दे रहे हैं। अगर आप एसी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा, तो भी आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।